फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के परांठे। तो इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो हम आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हमने लिए हैं उबले हुए 3 आलू और एक कटी हुई प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च और ये हरा धनिया। तो चलिए हम आलूओं को मैश कर लेते हैं, फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। तो देखिए आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, ये हरा धनिया, अब हम इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने लिए हैं आधी चम्मच अजवाइन, ये लिया है चाट मसाला और ये है काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसे भी डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और नमक हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार, आधी चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये हमने इसमें सभी डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं इसके पराठे। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरीके से आलू के पराठे। हमने बेल लिया है, अब हम इसमें रखेंगे आलू, इसको हम ऐसे फैला देंगे। तो ये देखिए आलू के मैश हमने लगा दिया है। ये मेरा पहला तरीका है, इसको यहां से उठाकर ऐसे फोल्ड कर लूंगी। हम यहाँ पे ऐसे घी लगा देंगे। और फिर ये ऐसे यहां से ऐसे फोल्ड कर लूंगी इसको। ये देखिए इसको यहां से ऐसे, ताकि आलू हमारा बाहर ना निकले। अब इसको थोड़ा हम सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। तो देखिए पराठा हमारा बन गया है। अब हम तवे पर चारों तरफ घी लगाएंगे। गैस को हम करेंगे फुल। पराठे को हम पलट देंगे। अब हम इस पर डालेंगे घी तो थोड़ा हम इसको सिकने देते हैं, फिर हम इसको पलटेंगे। तो नीचे
तरीके से परांठा हमारा सिक चुका है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे और धीरे धीरे ऐसे दबा देंगे। अब हम इस साइड भी घी लगा देंगे। देखिए पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको रख लेते हैं प्लेट पर। देखिए कितना बढ़िया बना है। चलिए अब मैं बनाती हूँ दूसरे तरीके से। इसकी हमने दो लोइयाँ बनाकर ऐसे रोटी बनाकर बना ली है। एक हमारी ये है और एक नीचे है। इस पर हमने आलू लगा लिया है। अब इसको मैं ऐसे इसके ऊपर रख दूंगी और हाथ से ऐसे दबा दूंगी चारों तरफ से। ये वाला हमारा बहुत ही आसानी से बनता है। अब इसको ऐसे उठाकर थोड़े हम हाथ से ऐसे करेंगे। अब इसको हम डाल देंगे तवे पर और गैस को कर देंगे फुल। इसको भी हम ऐसे पलट लेंगे और घी लगा देंगे। एक मिनट के लिए ऐसे सिकने देंगे इसको। तो ये वाला भी हमारा पराठा सीख चुका है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीके का। ये थोड़ा और जल्दी बन जाता है। ये देखिए तीसरे तरीका हमारा ये है। ये वाले तो सभी बनाते हैं। थोड़ी सी हम इसको बेल लेंगे गोल, फिर इसको हाथ में उठाएंगे और इसमें आलू भर लेंगे ऐसे। और इसको ऐसे आलू को हम पूरा कवर कर देंगे और इसको हाथ से धीरे धीरे ऐसे दबा के। अब थोड़ा इसमें लगाएंगे सूखा आटा। इसको हम बेल लेंगे। ये लगा देंगे। देखिए ये वाला पराठा हमारा फूल चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये देखिए तो देखिए पराठे हमारे तीनों कितने बढ़िया बने हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइए अपने घर पर। चलिए पराठे हमारे बन गए हैं। अब हम बनाते हैं चाय। इसमें डालेंगे आधा कप पानी। इसमें हमने पहले दूध गर्म कर लिया था। अब हम इसी में बनाएंगे चाय। तो जब तक हमारा पानी उबलता है हम इसमें कूटेंगे अदरक।
को हमने कूट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और ये चार पत्ते तुलसी के, हम इसमें तुलसी डालेंगे। और ये है दो इलायची, इसको भी हम थोड़ा कूट कर डाल देंगे। और ये दो लौंग, दो डालेंगे लौंग के टुकड़े, इसको भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, दो चम्मच। इसमें डालेंगे दो चम्मच चीनी, तो पानी हमारा उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे दो कप दूध, फ्रेंड हमारे आलू के पराठे, चाय और ये अचार है। तो आप भी अपने घर पर बनाइए और मजा लीजिए खाने का। तो मेरे इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।